हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक मैसेज है कि वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ दिस चैनल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस टू लर्निंग स्टान ऑन 15th अगस्त 2019। यह नाम लर्निंग और हमारा प्यारा हिंदुस्तान से डिराइव किया गया है। आई होप कि चैनल के इस नए नाम से आप सेटिस्फाइड होंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड स्पेशल मोटर। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि सीलिंग फैन यूजेस विच टाइप ऑफ मोटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि हर सीलिंग फैन में हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर ही यूज करेंगे। सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी यूज कर सकते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर गिवन है, तो हम इसे मार्क करेंगे। यदि इसकी जगह पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता तो हम इसे मार्क करते। ओके, दोनों में से किसी भी टाइप के मोटर को हम यूज कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के डेवलप्ड टॉर्क को। देखते हैं कि दोनों मोटर में किसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है और किसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो इसके लिए आप देखिए कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, या फिर इसी को तो हम कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट इज मोर देन दैट ऑफ परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट करिएगा। यदि क्वेश्चन में ये पूछा होता कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, तो आप ये कहते कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिमेनिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैं सबके कंपेरिजन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है और रनिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टेरेसिस मोटर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग हिस्टेरेसिस मोटर। रीड करिए, ऑप्शन ए ये कहता है इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वोल्टेज। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर इज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन सप्लाई वोल्टेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन सी कहता है कि इट इज एक्सट्रीमली हार्ड इन ऑपरेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर इज सुटेबल फॉर हाई इनर्शिया लोड। अगर कोई हाई इनर्शिया लोड हो और उसे हम एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो वैसे केस में हम यूज करेंगे हिस्टेरेसिस मोटर क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग स्टार्टिंग हिस्टेरेसिस मोटर में हिस्टेरेसिस लॉस भी होते हैं और एडी करंट लॉस भी होता है। दोनों लॉस होने के कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, लेकिन एट सिंक्रोनस स्पीड इसका टॉर्क कांस्टेंट होता है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ देखते हैं अब ऑप्शन डी, ये कहता है एक्सट्रीमली क्वाइट इन ऑपरेशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चूंकि ये मोटर एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है, इसकी वजह से इसमें जो नॉइज प्रोड्यूस होते हैं दैट इज वेरी वेरी लेस। सो हम कह सकते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली क्वाइट इन ऑपरेशन। क्वेश्चन में जो पूछा है कि आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करिए, तो कौन सा ऑप्शन है इनकरेक्ट?
ऑप्शन ए वाला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि इन रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज व्हाट, यानी कि रिपल्सन मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर होता है। तो रिपल्सन मोटर में जिधर ब्रश शिफ्ट होगा उसी डायरेक्शन में इसका रोटर रोटेट करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके ब्रशेस को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कराते हैं तो मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी में कहता है इज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ब्रश शिफ्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है कि बेस्ड ऑन रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रोटर ईएमएफ ऑफ अ 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व्हेन रनिंग एट 1300 आरपीएम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फील्ड आर रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर आर टू फील्ड्स हैविंग सेम स्ट्रेंथ रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है तो दूसरा फील्ड सेम स्ट्रेंथ का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगा, और चूंकि इन दोनों फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है इसलिए दोनों फील्ड की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि एट स्टार्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ टॉर्क्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जीरो, और इसी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आया डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। तो इसमें जो दो फील्ड्स हैं, एक कहलाता है फॉरवर्ड फील्ड और दूसरा कहलाता है बैकवर्ड फील्ड। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन करता है 1300 आरपीएम पे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड। तो इस क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि फॉरवर्ड फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मोटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रन करेगा एट 1300 आरपीएम। ये है रोटर की स्पीड, इसे हम लिखते हैं nr। क्वेश्चन में गिवन डेटा से हम फाइंड आउट करते हैं सिंक्रोनस स्पीड दैट विल बी इक्वल टू 120 f/p। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल्स है 4। सिंक्रोनस स्पीड इज 1500 rpm। यहाँ से अब हम स्लिप फाइंड आउट कर सकते हैं। s इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि 1500 माइनस 1300 डिवाइडेड बाय 1500। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/15। ये है हमारा स्लिप। चूंकि ये 1300 rpm रोटर की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए ये जो स्लिप होगा इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड स्लिप, यानी कि हम इसे SF से डिनोट करेंगे। नाउ फॉरवर्ड फील्ड की वजह से रोटर EMF की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू F2, दैट इज F2 इज इक्वल टू SF इनटू F1। F1 इज 50 हर्ट्ज जो कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, दिस इज F1। तो यहाँ से हम रोटर EMF की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड। तो यहाँ से हमें मिलेगा SF यानी कि 2/15 मल्टीप्लीकेशन विद F1 यानी कि 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करोगे 100/50 हर्ट्ज, तो यहाँ से 6 point something इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हैं दूसरे पार्ट को कैलकुलेट किए बिना। लेकिन फिर भी यदि आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आप प्लस साइन याद रखिएगा, फॉरवर्ड स्लिप के केस में यहाँ माइनस होता है और बैकवर्ड स्लिप के केस में यहाँ पे प्लस होता है। ओके, तो यहाँ से आप लिखेंगे 1500 प्लस 1300 डिवाइडेड बाय 1500 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 15, ये होगा आपका बैकवर्ड स्लिप।
इसे हम SBC डिनोट करते हैं। नाउ बैकवर्ड फील्ड की वजह से जो रोटर EMF की फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी F2 इज इक्वल टू SB इंटू F1। यहाँ पर SB कितना है, दिस इज 28 डिवाइडेड बाय 15 और F1 है 50 हर्ट्ज, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 93.33 के आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है कि द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसे हम कहाँ प्लेस्ड करते हैं। इसका आंसर होगा स्टेटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग हो या फिर रनिंग वाइंडिंग हो, दोनों को हम स्टेटर पर ही प्लेस्ड करते हैं। एंड रोटर हैज नो वाइंडिंग, क्योंकि रोटर तो स्क्वायरल केज टाइप का होता है, तो रोटर में हम क्या करते हैं कि इसमें कॉपर या एल्यूमिनियम के बार्स यूज करते हैं जिसे हम शॉर्ट सर्क्यूट करके रखते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है कि द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसका पावर फैक्टर सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट पावर फैक्टर मतलब कि जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ हो, तो ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में कहता है शेडेड पोल टाइप, तो इसका पावर फैक्टर ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है स्प्लिट फेज टाइप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, ऑप्शन डी कहता है कैपेसिटर रन टाइप, यानी कि इन दोनों मोटर में कैपेसिटर यूज किया गया है, तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन सी को देखिए, इस मोटर में जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं ओनली फॉर स्टार्टिंग पीरियड, मोटर के स्टार्ट होने के बाद वो 60-70% जब स्पीड गेन कर लेता है उसके बाद हम इसके कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, तो यानी कि रनिंग कंडीशन में इसमें कैपेसिटर लगा हुआ नहीं होता है, तो इसका भी पावर फैक्टर हाई नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी को देखिए, इसमें कहता है कैपेसिटर रन टाइप, यानी कि इस मोटर में रनिंग कंडीशन में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं कि रनिंग कंडीशन में इसका पावर फैक्टर हाई होगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है कि द शेडेड पोल मोटर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा लो स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि इन केस ऑफ शेडेड पोल मोटर इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है और इसका रनिंग टॉर्क भी कम होता है। यहाँ देखिए, शेडेड पोल मोटर के केस में टॉर्क वर्सेस स्पीड का जो कर्व होगा दैट विल बी लाइक दिस, और ये जो वैल्यू होती है टॉर्क की इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर या फिर रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर हो, सबका टॉर्क शेडेड पोल मोटर से ज्यादा ही होता है और सबसे कम टॉर्क मिलता है हमें शेडेड पोल मोटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है कि द ड्राइव मोटर यूज्ड इन मिक्सर ग्राइंडर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिक्सर ग्राइंडर में हम कौन सा मोटर यूज करते हैं। वी यूज यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऑपरेट करता है DC पे एज वेल एज सिंगल फेज AC। यूनिवर्सल मोटर AC सीरीज मोटर होता है, इसे हम सीरीज कनेक्टेड कम्यूटेटर मोटर भी कहते हैं। कुछ और पॉइंट नोट करिए अबाउट यूनिवर्सल मोटर कि इसकी नो लोड स्पीड इज वेरी हाई और स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है कि द कैपेसिटर्स यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो, तो देखते हैं बारी बारी से ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है वोल्टेज रेटिंग, तो सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के कैपेसिटर में वोल्टेज रेटिंग होती है। ऑप्शन बी कहता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम,
डायलेक्ट्रिक मीडियम भी होता है। इसके साथ आप दो पॉइंट नोट करिए कि स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है और रनिंग कैपेसिटर पेपर टाइप कैपेसिटर होता है। देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को, ऑप्शन सी कहता है पोलारिटी मार्किंग। तो इस मोटर के कैपेसिटर में पोलारिटी मार्किंग गिवन नहीं होता है, तो हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन डी कहता है डेफिनेट वैल्यू। तो इस मोटर में यूज होने वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की कुछ डेफिनेट वैल्यू होती है, सो फाइनली हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है कि व्हेन द लोड ऑन अ रिलक्टेंस मोटर इज इंक्रीज्ड सो दैट इट कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड देन द मोटर विल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोटर विल रन एज इंडक्शन मोटर। वैसे तो रिलक्टेंस मोटर रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पे, लेकिन यदि इस मोटर के लोड को हम इतना ज्यादा इंक्रीज कर दें कि इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो पाए, वैसे केस में ये इंडक्शन मोटर की तरह रन करेगा। रिलक्टेंस मोटर के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है और स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड्स ऑन द रोटर पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो इसका रोटर होता है दैट इज सैलिएंट पोल रोटर, और इसी की वजह से वी गेट वेरिएबल रिलक्टेंस इन दिस मोटर, सो वी कॉल्ड इट एज रिलक्टेंस मोटर। क्वेश्चन नंबर 41, ये कहता है कि द रोटर ऑफ अ हिस्टेसिस मोटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हिस्टेसिस मोटर का जो रोटर होता है वो किसी से बना होता है। तो यहां देखिए, द रोटर ऑफ अ हिस्टेसिस मोटर इज स्मूथ एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ हार्ड स्टील। ये हार्ड स्टील का बना होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज मेड ऑफ क्रोम स्टील। ओके, और इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। नाउ यहां देखिए, जो वर्ड यूज हुआ है सॉलिड सिलेंडर, इसका कहने का मतलब है कि इस रोटर पे कोई भी वाइंडिंग्स नहीं होते और ना ही कोई कॉपर या एल्यूमिनियम के बार से होते। ओके, लेकिन यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की हम बात करें, तो वैसे केस में इसके रोटर में कॉपर या एल्यूमिनियम के बार्स यूज होते हैं, लेकिन हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर में ना तो वाइंडिंग होती है और ना ही किसी तरह का कोई बार्स यूज होता है। दिस इज जस्ट सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किस मटेरियल का बना होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो, ये कहता है क्रोम स्टील। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। ये कहता है कि इन अ शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा शेडिंग कॉइल्स, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां देखिए, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ शेडेड पोल मोटर, जिसमें सैलियंट पोल होता है स्टेटर पे और जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज टाइप का होता है, एंड दिस कॉइल इज शेडिंग कॉइल। शेडिंग कॉइल के यूज होने की वजह से इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन की तरफ होता है। दिस इज अनशेडेड रीजन एंड दिस वन इज शेडेड रीजन। सेम उसी तरह दूसरे पोल में देख लीजिए, दिस इज अनशेडेड रीजन एंड दिस वन इज शेडेड रीजन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दैट इज अनशेडेड टू शेडेड रीजन। ओके, हम इस फिगर में ये कह सकते हैं कि यहां पर फील्ड का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, सो वी कैन से दैट कि यह मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, यदि इसी मोटर में शेडिंग कॉइल को यहां ना रखें और हम यहां पे प्लेस्ड करें, साथ ही इस दूसरे शेडिंग कॉइल को भी हम यहां पे प्लेस्ड करें, तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन बनेगा अनशेडेड और ये रीजन बनेगा शेडेड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अनशेडेड टू शेडेड,
यानी कि लाइक दिस, सेम उसी तरह ये बनेगा अनशेडेड और ये बनेगा शेडेड रीजन, यानी कि अनशेडेड टू शेडेड इन दिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रोटर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और अब डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि द रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इन चार ऑप्शंस में से किस वजह के कारण हम रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज वेरी हाई, लगभग 2.5 से 4.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, ये होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। और दूसरी वजह यह है कि इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ही कम होता है। इन्हीं दो कारणों से हम रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं। तो ऑप्शंस को देखिए, इन दोनों में से कोई भी अगर अवेलेबल हो तो आप उसे मार्क करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में कहता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि द स्पीड कंट्रोल ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर यूज्ड फॉर शिविंग मशीन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिलाई मशीन में जो हम यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं उसके स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ देखिए कि स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर, तो फर्स्ट है बाय एडिंग वेरिएबल रेसिस्टेंस इन सीरीज विद द मोटर, यानी कि मोटर के सीरीज में आप एक रेसिस्टेंस ऐड करो और आप उस रेसिस्टेंस को वेरी करा के इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 है कि बाय टैपिंग द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग करके भी आप यूनिवर्सल मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है बाय सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। ओके, यानी कि इन तीनों तरीकों से हम यूनिवर्सल मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, ये तीनों तरीका यहाँ पर गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपली यूनिवर्सल मोटर नहीं पूछा है। वो कहता है कि सिलाई मशीन में जो यूनिवर्सल मोटर होता है आप उसके स्पीड कंट्रोल मेथड को बताइए। तो इसके लिए आंसर होगा वेरिंग द रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये दोनों मेथड हम वहां यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है कि द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लैगिंग होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन विच टाइप ऑफ मोटर। यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इनमें से किस मोटर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप रिलक्टेंस मोटर को क्रॉस कर दीजिए और हिस्टेरेसिस मोटर को भी क्रॉस कर दीजिए। बचे हुए दो ऑप्शंस में आप देखिए कि फर्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और दूसरा है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर में जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है। ओके, ड्यूरिंग स्टार्टिंग भी और ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में भी इसे हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, सो नो नीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच हियर। नाउ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है इन अ स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए, स्प्लिट फेज मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस हाई होता है। लेकिन यदि आपको पूछे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बताइए, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग
या फिर आप कहें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टेंस कम होता है। ओके, क्वेश्चन में पूछता है रनिंग वाइंडिंग के बारे में यानी कि मेन वाइंडिंग के बारे में, तो इसके केस में रेसिस्टेंस लो होगा और इंडक्टेंस हाई होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 ये कहता है कि अ रिलक्टेंस मोटर इज व्हाट, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो बारी बारी से ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन ए कहता है इज सेल्फ स्टार्टिंग, यस रिलक्टेंस मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी कहता है कि रिलक्टेंस मोटर इज कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि रिलक्टेंस मोटर रन करता है एट सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि रिलक्टेंस मोटर इज अ कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर। ओके, ऑप्शन सी में कहता है कि रिलक्टेंस मोटर नीड्स नो डीसी एक्साइटेशन, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज रिलक्टेंस मोटर में डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। सो फाइनली जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा पल्सेटिंग टॉर्क, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो होता है पल्सेटिंग इन नेचर, और इसी वजह से इंडक्शन मोटर में नॉइज प्रोड्यूस होता है, और इसी वजह से हम इसकी रेटिंग को कम रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी को कम रखा जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसमें कहता है कि मोटर यूज्ड इन मीडियम या लार्ज लेंथ मशीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मीडियम साइज और लार्ज साइज के लेंथ मशीन में आप किस तरह का मोटर यूज करोगे। ऑप्शन ए कहता है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी कहता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर, और ऑप्शन डी कहता है बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हम दोनों यूज कर सकते हैं, डीसी शंट मोटर भी और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी, दोनों हम यूज कर सकते हैं एट कॉन्स्टेंट स्पीड इन केस ऑफ मीडियम या फिर लार्ज लेंथ मशीन। ओके, लेकिन यदि क्वेश्चन में होता स्मॉल लेंथ मशीन, इसके केस में हम ऑप्शन सी को मार्क करते, क्योंकि स्मॉल लेंथ में हम सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, यदि अच्छा ना लगे तो आप हमें ये बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।